पीसीआई ने एक पत्रकार बोरिया मुजुमदार को 2 साल के लिए बैन किया, क्योंकि उन्होंने विकेट कीपर उद्यान शाह को इंटरव्यू नहीं देने के बदले में उनको धमकाया, उसको ईमेल किया। लेकिन शाह क्या पूरा साफ सुथरा है? शाह को टेस्ट टीम में निकालने देने के बाद उन्होंने कहा था कि सौरव गांगुली, जो अभी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है, उसने उनको कहा था कि जब तक वो प्रेसिडेंट है तब तक उनको टेस्ट से कोई निकाला नहीं सकता। ये बात तो बीसीसीआई के सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी नहीं कर सकते, क्योंकि टेस्ट टीम में सिलेक्शन प्योरली परफॉर्मेंस बेस होता है। रही बात बोरिया मुजुमदार और बुद्धिमान साहब की, इंटरव्यू देने के बाद बदले में उनकी बात हुई होगी, उनके अच्छे संबंध होंगे पहले, लेकिन लेन देन और पैसे के ऊपर बात अटक गई होगी और गुस्से में आके मुजुमदार ने साहब को धमकाया, ईमेल किया। तो बुद्धिमान साहब भी कोई संत आदमी है, उसने भी गलत बात बोली थी, तो वो भी दोषी है। तो क्या उद्धवन साफ सुथरा है, दूध का धुला हुआ है? नहीं, वो भी गलत काम किया, उसने भी गलत काम किया।